ऑस्कर अवार्ड समारोह से भारत के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। भारत की शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्पर्स को अवार्ड मिला है। द एलिफेंट विस्पर्स को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। अभी इसके साथ ही भारत की तरफ से RRR का गाना नाटू नाटू भी पुरस्कार की रेस में है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में हर कोई उस वक्त हैरान रह गया जब मेरठ में चल रही वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक खुद वेट लिफ्टिंग करते हुए दिखे। वीडियो में यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भारी वजन उठाते हुए दिखे, जिसके बाद लोग भारत माता की जय के नारे लगाने लगे। ब्रजेश पाठक वहां से निकलते उससे पहले ही लोगों ने एक बार फिर से वेट लिफ्टिंग करने की गुजारिश की, जिसे ब्रजेश पाठक ने टाला नहीं और 30 किलो का वजन उठा लिया, जिसे लोग अपने अपने कैमरे में रिकॉर्ड करने लगे। दरअसल डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मेरठ के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया और वहां भर्ती मरीजों का हालचाल जाना। इसके साथ ही जिला अस्पताल में तैनात डॉक्टर से भी बातचीत की। जिला अस्पताल के निरीक्षण के दौरान ब्रजेश पाठक ने स्टाफ को साफ सफाई बनाए रखने को, मरीजों को हर सुविधा देने का निर्देश दिया। मरीजों को व्यवस्थित उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था मिले, ये सुनिश्चित करना हमारा फर्ज है। तो हम अस्पतालों में जाकर के देखते हैं और यहाँ मुझे व्यवस्थाएं ठीक मिली हैं। इस पूरे दौरे में ब्रजेश पाठक का वेट लिफ्टिंग करना लोगों के लिए यादगार पल बन गया, जिसे लोगों ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। दिल्ली के वसंत कुंज इलाके से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। वहां कुत्तों के हमलों में एक ही परिवार के दो बच्चों की मौत हो गई और यह हादसा दो दिनों के अंदर हुआ। बताया गया कि 5 से 6 जंगली कुत्तों ने दो भाइयों पर हमला कर दिया था, जिसके बाद बड़े भाई की मौत 10 मार्च को हो गई थी और फिर 12 मार्च को छोटे भाई की भी जान चली गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दोनों बच्चों के शरीर पर कुत्तों के काटने के निशान मिले। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। खबर ये भी है कि वसंत विहार के पास झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले परिवार ने अपने एक बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने बच्चे की तलाश शुरू की और काफी छानबीन के बाद बच्चे का शव जंगल के किनारे मिला। बच्चे के शरीर पर जानवर के काटने के निशान मौजूद थे और फिर इस घटना के दो दिन बाद कुत्तों ने उसके छोटे भाई पर भी हमला कर दिया, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद से इलाके के लोग बेहद सतर्क हो गए। इस इलाके में कुछ लोग डंडा लेकर घूमते हुए नजर आए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई। आज से संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू हो रहा है। बजट सत्र का ये दूसरा चरण 6 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान लोकसभा में 9 और राज्यसभा में 26 विधेयक पास किए जाएंगे। इस सत्र में दरअसल कुल मिलाकर 17 बैठकें होंगी और सरकार का फोकस लंबित पड़े हुए सभी विधेयकों को पारित कराना होगा। सतीश कौशिक की मौत मामले में एक नया मोड़ आ गया है, क्योंकि जिस विकास मालू की पार्टी